उतरे अमर का उतरे अमर का सोचता मेरा हुक्म हर जी हंकार न वो सब कुछ सह लैंदा पर हम भी नहीं सहंदा हंकार नहीं सहंदा किसी का क्यों हंकारी शरीक हंकारी नू रब विसरदा आप वरदान दिता हरनाकश नू तू न मरेगा जब रब बन बैठा तो मरना पिया अपना वर दिता मोड़ना पिया वापस की और मरण की विद बनाई उस अगे केड़ी वड्डी गल सी कोई फौजा नहीं चढ़ाइया कोई खास उपाय नहीं किया मारन का की उपाय होया एक बालक जन्मया जिन्हें आखिया नहीं छोड़ू रे बाबा राम ना बस प्रहलाद ने निश्चय कर लिया मैं जपना हरनाकश की मौत का वसीला बन गया मरना हो उस अगे कोई वड्डी गल है पर किड्डा मूर्ख है जिस तो वरदान ले रहे है कि मैं ना मरा ओनू रब नहीं समझदा रब आप नू मनी बैठा ये बड़ी भुल है बंदे की जितों कुछ पाता है ओनू नहीं कुछ समझदा वो जिहा आप बन जाता बड़ा अज्ञान जिथों वरदान पाया जिदी तपस्या की जिस अगे नक रगड़े साल साल जिसने दर से झोली अड के खड़ोता रहा जब वरदान मिलिया अच्छा भी तू ना मरेगा क्योंकि मेरा तो कम है जैसा कोई बीज बोंदा है उसका मैं उन्हें फल ला देना तू जे तपस्या इस वास्ते की है भी मैं न मरा नहीं मरेगा जब उसने वर ले लिया तो सोचिया जो नहीं मरता वो तो रब है तो फिर रब मैं ही होया जिस वेले निरंकार ने ब्रह्मा उत्पत्त किया निरंकार ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त
ओंकार ने जिस वेले ब्रह्मा नु उत्पन्न किया एक कवल दी नाल तो आसे पासे सी सारा पानी, जद भी परलो आएगी संसार से पानी पानी हो जाए। जिस पानी तो बचने का कोई उपाय ना रहेगा, आसे पासे चार चुफेरे पानी देखिया तो ब्रह्मा ने आखिया मैं बस मैं ही मैं। आवाज आई, नहीं ब्रह्मा मैं ना कहो के जी मेरे बिना होर है ही कौन। अखे जी ने तेनू पैदा किया, जिन्हें तेनू बनाया और बनाया भी किस कुदरत नाल, इस कवल दी नाल चो पैदा किया तेनू। उन्हें आखिया अनहोनी गल है, इस कवल दी नाल चो मैं जमिया, जे मैं चाह एक ठुडा मार के कवल का बूटा ही पुट सुट। आवाज आई पुट के वे, तो ब्रह्मा उठया, उन्हें उस कवल नू ठुडा मारिया, ते कवल दी जड़ी ओ नाल सी नलकी विचों पोली सी ओदे विच गिर गया, ते फिर गिरदा ही चला गया, किते पैर लगे ही ना। बड़ा व्याकुल होया, ये मैं किधर जांदा पिया, मेरे किते पैर नहीं लगदे, ये हुण मेरे पैर किस तरह लगन, मेरी पटकना किस तरह मुके। आवाज आई, जिन्हें पैदा किया ओदी सिफत कर, ओदी सिफत उचार, ता तेरे पैर लगनगे। जिस वेले ब्रह्मा ने फिर सिफत उचारी निरंकार दी, ते फिर ब्रह्मा अपने आसन ते आया, फिर इनू पता लगा भी मैं नहीं तू है। तो हर जी हंकार न भावई, इसे वास्ते वेद कूक सुना दे, क्योंकि वेदा दे करते ब्रह्मा दे उत्ते एक गल वापरी हुई है। इस वास्ते उन्हें वेदा नु आखिया, संसार नु पुकार के कह देओ, सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, हंकार नहीं बर्दाश्त हो सकता। बाबा जी दे अंतम दिन सन देहरादून, सारिया संगिया नु सामने बिठा लिया, इंज कोल बिठा लिया, नेड़े नेड़े, बार बरखा हो रही, यही दिन सन कुछ दिन पहले, सारिया नु सामने बिठा के, ते फिर एक एक नाल अख मिला के की आखिया, जिसने की जरा इस गली विच सही हो, जिसने कीती जरा बेद भी, क्योंकि जानते सन शायद किसी दिन यह भी बकाला बन जाए। इस वास्ते एक एक नाल अख मिला के आखिया, जिसने कीती जरा बेद भी इस गली विच सही हो, ये निम्रता दी गली विच वड़ी बेद भी केड़ी है अंकार, क्योंकि बाबा जी सदा निम्रता दी गली विच पिचरे, निम्रता विच वसे हैं, और कहंदे भी सन सिख ने की बनना है, अखे कुछ नहीं बनना, सिख ने की बनना है भाई, कुछ नहीं बनना, जो कुछ नहीं बनता वही तो सिख है, जो कुछ बन बैठा हो तो सिख ही ना रहा, सिख नहीं रहा तो बागी की बने, असी तो भाई सिख बनना, सिख ये सिख बनने वास्ते कुछ नहीं बनना, बाब की भाई मन में कोई होमे का किनकार ना टिक जाए, हंकार ना आ जावे भाई मैं भी कुछ हां, सहबाक्तिन होंदा फड़ियग नानक जान, ना हो ना मैं जूनी पान, जो कुछ कोई बनेगा कोई हुंदा ही फड़िया जाएगा ना, जड़ा कुछ बनिया ही नहीं उन्हों कोई की आखेगा, होंदा फड़ियग नानक जान, ना हो ना मैं जोनी पान, एक एक वल नजर करके जिमें सब कोई उस वेले समझदा सी भी मैनू ही कह रहे, जिसने कीती जरा बेद भी इस गली विच सही हो, क्यों मनसूर चढ़ाया सूली, फेर न सानू कहियो, मनसूर सी बड़ी कमाई वाला पर भूल की पै गई, आखन लगा मेरा रब अनलहक, कमाई भी बड़ी सी घट नहीं सी,
सूली ते चढ़िया है। मुड़ भी मुस्कुरा के कह रहा मेरा बहु, वेखण वालिया ने प्रतीत कर लिया भी ठीक ही रब है, क्योंकि एडे कष्ट विच भी कोई मुस्कुरा सकता। कमाई बड़ी सी, बंदगी बड़ी सी, पर ए हों टूटी नहीं सी, ए अंदरों मरी नहीं सी। इस वास्ते जन्म मुड़ पावना पिया, बनिया शमस तबरेज। साहब जदों मुल्तान गए, मरदानी पुछिया गरीब नवाज ना सारिया फकीरां चो वड़ा कौन है जिदी वड़ी कमाई होवे। बाबे आ गया आओ बैठा शमस तबरेज, ये वड़ी कमाई वाला है। कहन लगे हां इहदा पिछला जन्म मंसूर दा सी। गरीब नवाज ते फिर जन्म, बाबे आख्या उन्ना चिर जन्म मुकदे नहीं जिन्ना चिर हमें जांदी नहीं। हमें जाई ता कंत समाई, इसे वास्ते आए हूं। निम्रता दी चुटकी देंगे, हमें दा रोग जाएगा ता मुड़के जन्म नहीं पाएगा, नहीं ते केड़िया बंदगियां कमाइया कर लवे। जे हमें नहीं जाएगी जन्म मरण नहीं मुकेगा। बिच हमें लेखा मंगिए, लेखा बस नहीं होता, लेखा फटदा नहीं। सत्संगत बोलो श्री वाह। साई ने सोचा भी मेरा बिठाया बैठा है, और पिया सोचता भी मेरे हुक्म अगे दुनिया नहीं होंगी है। तो एक दिन हर ने यम को बुलाया, हंसता खेलता यमराज आया। आवाज आई कहो रे यम जिया की सार, केड़ा तुझ पे हुक्म अफार। कोई आकी भी है? उन्हें आखिया नहीं। खत्री ब्राह्मण सूदर वैंस शेख सैयद मुगल पठान, जो प्रभु की ये जगत में सब मानत मेरी आन। जो सृष्टि तू रची है निरंकार, सब मेरे हुक्म विच है, मेरे हथ दे तले है। जिनू मैं परवाना भेजिया उन्हें सिर नहीं फेरिया, उठ के नाल तुर पिया। जो प्रभु की ये जगत में सब मानत मेरी आन, तो आवाज आई कोई भी नहीं जी, बिल्कुल कोई नहीं। सारे संसार विच कोई एक भी ऐसा नहीं। कहन लगी अच्छा, असी ते सोचिया सी भी एक बड़ा आकी बैठा है, एक बड़ा आकी है। वो तेरे आखे नहीं लगता कि ना महाराज, कोई ऐसा बंदा नहीं जो मेरे आखे तो बाहर होवे। तो आवाज आई अच्छा, फिर एक बंदे नू मंगवा सकदा है? आखे जी हुक्म करो। कहन लगे नाम कबीरा जात जुला। एक बंदा है काशी विच रहिंदा है जिदा नाम है कबीर ते जात दा है जुलाया। नाम कबीरा जात जुलाहा, काशी का है बासी, भई जे तू सुनू पकड़ लियावे तेरा राज करा अब नसी। मैं मन लवांगा भई तू सब तो उत्तम है, सब तो उच्चा है, जे तू उस बंदे नू बुला लवे। साईं ने आखिया इस मूर्ख नू पता नहीं भी नाम जपण वाले तेरे हुक्म च नहीं, वो तैनू की समझ दे। जे पेंडे लूटी पनिहारी, सो मार्ग संतन दुरारी। ये नाम जपण वालियां दा मार्ग हो रहा है, जिन्हां दे मन तो धोखा उतर गया, जिन्हां नू पूंजी मिल गई है। ओते बज बजा के कहंदी हन धर्म राय अब कहां करे तो, तू समझदा मेरे हुक्म विच हन जा बुला के ले। उसे वेले उन्हें परवाना लिखिया, जमदूत सदे ते आखिया जाओ भई काशी, मामला बड़ा जरूरी है और बड़ा संगीन है, इसे ते निर्भर है। जाते मैं अज अविनाशी हो गया, मैं सचमुच भाई रब बन गया, ते जा फिर मैं गिर गया। लैके जरूर आमना, छड़ ना आमना, है तो जुलाया पर कोई गल होवेगी ना,
जो साई ने आखिया उन्होंने बुला के लिया परवाना जिस वे दिता ता जम भागे कहां जाए जहां कबीर बैठा सी ताहीं उठी रे कबीर तुझे ले दारू हिजे तो प्रेम की चाबक मारे आ परवाना है ते आ चाबक है जे ते सीधी तरह चलेगा ते आराम नाल लै जावांगे सख्ती करन दा हुक्म नहीं पर जे हील जित करेगा ते फिर तू देखी। कबीर ने सोचिया मैं तो बेनती कीती सी कहत कबीर एक बेनती सुनियो मत गालो जम की खबरी ते साई ने मंजूर कीती सी ते मुड़ जम दी खबरी आ गई ये जम दी खबरी ता आउंदी है जे इस शरीर नाल मोह ते मैं तो बख्शा लिया सी राख ले हो हम ते बिगरी सील धर्म जप भगत न कीनी हौ अवमान टेढ़ पगरी अमर जान संची ए काया ए मिथ्या काची गगरी धोखा उतर गया इस काची गगरी नू कच्चा ही समझिया पहला पक्का समझदा रहा इस वास्ते अमर जान संची ए काया जदों पता लगा धोखा उतरिया पूंजी मिल गई आख्या ए मिथ्या काची गगरी ए तां कच्चा गड़ा ए तां टुट फुट जाण वाला ते फिर बेनती कीती निरंकार हुण मैनू जम दी खबर ना दे जम नाल वास्ता ना पवे मेरा कोई वाह ना पवे ते साई ने बेनती मंजूर कीती ते मुड़ जम दे दूत कबीर ने आख्या जाओ मैं नहीं आऊंगा आखिया पहला ही पता सी जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होएगी एक दूजे वल तक के कह लगे हूं फिर की प्या देखना तो जम दे दूता ने उस वेले अपना रूप बटाया तै जम दूत ने बांधी संद मोले जेडे कीने दंद बहत्तर गज का किया सीना ऐसा भय कबीर को दीना। कबीर ने आख्या अच्छा ये तो मदारी हूं लग पे खेडा कर जिना चिर इन्हों जहा रूप ना दिखाया इन्हों टलना नहीं तब कबीर ने बांधी संद रूप बटाया की दिखाया दो नेत्रों में दिखाए खंड ब्रह्मण जेडी समर्था थी तै कबीर ने बांधी संद दो नेत्रों में दिखाए खंड ब्रह्मंड और धरत आकाश मुठ्ठी में लिया ऐसा भय जमदूत को दिया हूं वो ठहर न सके एडा रूप देख के जमदूत रह न सके जिस वेले भजे तो कबीर ने आख्या ठहर जा मैं तुहाडे नाल चलदा हां पर तुहाडे परवाने की खातर नहीं तुहाडे जमदूत की खबर लैण वास्ते जमराज की तेरे धर्मराज की करो ठगौर उसकी जगह बिठाऊं और ते हुण इस पदवी के काबिल नहीं रहा जापदा जिन्हें नाम जपण वालियां नाल मत्था ला लिया जिन्हों नाम जपण वालियां दे अदब सत्कार का ख्याल नहीं और आम मामूली बंदियां वांगू परवाना भेजदा पिया है जिसनों राम जी ने अपने दीवान भेजने हैं अपने पारखद भेजने हैं आप लैण वास्ते जिन्होंने आना है बाबा जी का प्यारा सी उत्तम सिंह जहां चढ़ाई की ते नगारे बजे चलिया पत स्यों जन्म सवार वाजा वाए सी मानस क्या विचारा त्यों लोक सुनाए सी नानक आप निहाल सब कुल दहर सी आ बख्शीशा जिन्हां नूं उन्हां दा जमदूतां नाल वाह नहीं। कबीर भी उठ के मगर तुर पिया जमदूत अगे अगे ते कबीर मगर मगर किथे पहुंचे जिथे बैठे सन चित गुप्त लोगों का दफ्तर देख दे
हिसाब किताब कर दे। जिस वेले उन्होंने बार रौला सुनिया जाति पाई देखिया कबीर का विकराल रूप ते ओ भी ठहर न सके ओ भी बज पे। जिस वेले धर्मराज के दफ्तर अगे पहुंचे ते शोर होया उन्हें बार जाति पाई कबीर का रूप देखिया डर गया आखे हुण मेरी खैर नहीं नाले भजिया जांदा है नाले कहिंदा कबीर मैं नहीं सी दूत भेजे मैनू निरंकार ने आखिया अगों बाणी उठी ताए मैं कब कहा कबीर को ले ले जाए हुण मेरा नाम लाउना है मैं कदों आखिया अगों बाणी उठी ताए कब कहा कबीर को लेने जाए आवे जावे कबीर की रजाए जल थल रहा कबीर समाए। इस मंजिल ते पहुंचिया है कौन जिदा भाई मन मन भी मन मनिया की मंजिल ए कहो कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मन ये किने मनदा है मन भाई महा आनंद वे सुख पाया संतन के परसादे कहो नानक हर सिउ मन मानिया रंग रते बिस्माते कदों जदों संतन मुख पूंजी टोपी उतरिया मंगा धोखा संतन मुख पूंजी टोपी उतरिया मंगा धोखा शाम समय नाल मुड़ हाजिर वाहिगुरु जी का खालसा।